डर को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के पास पहुंचा। शिकायत थी कि मधुपुर में स्थानीय प्रशासन पक्षपात कर रहा है। रिपोर्ट देखें। बीजेपी का डर, मधुपुर को लेकर बीजेपी की शिकायत, मधुपुर प्रशासन पर बीजेपी का आरोप, पक्ष लेकर काम कर रहा मधुपुर प्रशासन। बीजेपी के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल रांची के धुरवा स्थित निर्वाचन कार्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का मजमून खुद नेताओं से समझिए। इसलिए अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के घर पे लगा हुआ उन सारे बैनर और झंडा को उतारा जा रहा है। तो अगर ऐसा प्रशासन के अंदर से होता है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र की हत्या वो सीधे तौर पे कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि जेएमएम का या कांग्रेस का इस तरह गठबंधन की जो सरकार है उनका वो हितैषी बने हुए हैं, उनके कार्यकर्ता बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर के ऊपर या वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थकों के घर के ऊपर जो झंडा बैनर लगे हुए थे उसे सरकारी मिशनरियाँ, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी मिल करके जा करके उस झंडे को उतारने का काम किए हैं, उस बैनर को उतारने का काम किए हैं। और कहीं ना कहीं ये एक ऊपर से मुख्यमंत्री जी के द्वारा या उनके सरकार के द्वारा एक मंत्री को जिताने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने की प्रयास की जा रही है। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बीजेपी नेताओं को आश्वासन भी मिला। भाजपा का कार्यकर्ता का घर से वो झंडा बैनर का उतरा जा रहा करके शिकायत की गई थी, वो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसे हम लोग अभी अविलंब उसमें कार्रवाई करके वो सच्चाई क्या है उसके करके वो इसी का डायरेक्शन के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना पूरा दम दिखा रहा है। चुनाव प्रचार भी जोरदार चल रहा है और इस बीच सियासत के रंग भी दिख रहे हैं। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और अब सीधा रुख करेंगे, सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, बीजेपी का आरोप है कि मधुपुर में प्रशासन पक्ष ले रहा है और यही बीजेपी का डर भी है, क्या ये डर आखिर क्यों है बीजेपी को? राजेश देखिए, ये डर तो है ही, क्योंकि जब विपक्ष में लोग होते हैं तो वो सत्ता पक्ष पर अक्सर ये आशंका जताते रहते हैं कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा या उनकी नज़र में उनका उपयोग करके लोग लाभ लेना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव कराने वाले पदाधिकारी भी प्रशासन के होते हैं और ऐसे उपचुनाव में जहाँ पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ही चुनाव कार्य में लगे रहते हैं तो ये आशंका जरूर जाहिर होती है। लेकिन बीजेपी अगर जानती है कि उसका जनाधार ठीक है तो फिर उसे डरने की जरूरत नहीं है। और यही शिकायत लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास आज बीजेपी के लोग गए थे और ये शिकायत दर्ज कराई कि वहाँ पर जो चुनावी कार्य में या चुनावी क्षेत्र में जो लोग पदाधिकारी हैं सरकारी, वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। जो एनडी यानी बीजेपी और आसू के जो समर्थक हैं उनके घरों से झंडा हटाया जा रहा है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ये कहा है, आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को देखेंगे। अब देखना है कि बीजेपी अंदर से डरी हुई है क्योंकि एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में सत्ता पक्ष ने हफीजुल हसन अंसारी को उतारा है जो दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के सुपुत्र हैं और पूरी पार्टी जो घटक दल हैं महागठबंधन में शामिल, जेएमएम है, कांग्रेस है, राजद है या कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी भी समर्थन दे रही है, तो ये तमाम लोग वहां लगे हुए हैं कि ये सीट निकल जाए। अब देखना होगा कि जनता किसे आशीर्वाद देती है, लेकिन बीजेपी अपनी ओर से पूरी ताकत लगाए हुए है। चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर जरूर सता रहा है। बहरहाल आगे बात करते हैं और आपको बताएं, तो मधुपुर